अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मोहम्मद कैसर सलीम सलाम स्ट्रेट एंड बिल्डर के प्लेटफॉर्म से। बहरहाल कराची के अंदर इस वक्त टू बेड अपार्टमेंट्स के मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आज एक ऐसे ही प्रोजेक्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं जो रिसेंटली सलाम स्ट्रेट एंड बिल्डर और ड्रीमनेक्स कंस्ट्रक्शन कंपनी ने अभी 11A के कॉर्नर प्लॉट नंबर 9 के ऊपर लॉन्च किया था। DX हाइट्स के नाम से ये प्रोजेक्ट एक माह पहले सलाम स्ट्रेट एंड बिल्डर ने प्रोजेक्ट लॉन्च किया, ये जिसमें टू बेड अपार्टमेंट, थ्री बेड अपार्टमेंट और ग्राउंड फ्लोर पर शोरूम जो हैं वो दिए गए हैं। इस प्रोजेक्ट के हवाले से आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट रेंटल पर्पज़ के लिए वो कैसी रहेगी। अगर कंपेयर करें प्रिसेंट 19 के टू बेड अपार्टमेंट्स से तो हमें रेंटल इनकम जो है वो कितनी ज़्यादा गेन हो रही है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके। तो आइए सबसे पहले दोनों प्रोजेक्ट्स की लोकेशन जो है वो शेयर करते हैं। प्रिसेंट 11A का कॉर्नर प्लाट नंबर 9 जो हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोजेक्ट के लिए चूज़ किया है वो DX हाइट्स की लोकेशन है। इसके सराउंडिंग की बात करें तो इसके सराउंडिंग के अंदर प्रीसेंट 11A, प्रीसेंट 10A, प्रीसेंट 11B, ये सारे प्रीसेंट जो हैं मुकम्मल अलाइव प्रीसेंट वो इसके सराउंडिंग में आ जाते हैं। बेसिक फैसिलिटीज़ सारी यहाँ पर मौजूद हैं। अगर दूसरी तरफ हम जिक्र करें प्रीसेंट 19 के टू बेड अपार्टमेंट्स की लोकेशन को, तो प्रीसेंट 19 के अपार्टमेंट जो हैं वो जैसे ही मेन गेट से एंटर होते हैं राइट साइड पर हमें प्रीसेंट 19 का व्यू जो है वो देखने को मिलता है। वहाँ पर टोटल 24 अपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पर भी बेसिक फैसिलिटीज़ जो हैं इटसेल्फ प्रीसेंट 19 की अपनी मौजूद है। शॉपिंग गैलरी, मॉस्क, इसके अलावा पार्क्स, ईच एंड एवरीथिंग वहाँ पर भी मौजूद है। कंपैरिजन अगर हम करें कि रेंटल वैल्यू जो है दोनों प्रोजेक्ट से हम लोग कितनी गेन कर सकते हैं, प्रीसेंट 19 के टू बेड अपार्टमेंट्स जो हैं उनकी इस वक्त वर्थ जो चल रही है मार्केट के अंदर 1 करोड़ से लेकर और 1 करोड़ 15 लाख रुपए के दरमियान हमें एक अच्छा टू बेड अपार्टमेंट जो है वो मिलता है जो 950 स्क्वायर फिट का है। अगर हम DX हाइट्स की बात करें तो इसकी इस वक्त नेट वर्थ जो है लमसम पेमेंट के ऊपर वो 1 करोड़ 16 लाख रुपए के अंदर हमें टू बेड अपार्टमेंट जो है वो देखने को मिलता है। अगर रेंटल इनकम की बात करें तो सलाम स्ट्रेट एंड बिल्डर ने फर्स्ट टाइम ये ट्रेंड मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया है कि अगर आप लमसम पेमेंट के ऊपर यहाँ पर बुकिंग करवाते हैं तो वेरी नेक्स्ट मंथ से आपको 0.5% एनुअली रेंटल इनकम जो है या रेंटल डिस्काउंट जो है वो मिलना स्टार्ट हो जाता है। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता चलूँ कि फ़र्ज़ करें कि आपने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की है 1 करोड़ रुपए की, तो 1 करोड़ रुपए के ऊपर 0.5% जो है वो आपको एनुअली रेंटल इनकम जो है वो गेन होगी। 5 लाख रुपये ये 5% बनती है। अगर 5 लाख को हम 12 महीने पर डिवाइड करें तो 48,000-47,000 तकरीबन हमें ये रेंट जो है मंथली वो पड़ता है। दोनों का रेंटल अगर हम कंपैरिजन करें तो वहाँ पर हमें रेंट जो इस वक्त मिल रहा है वो तकरीबन 32 से लेकर और 35,000 पर मंथ रेंटल इनकम जो है वो गेन हो रही है। यहाँ पर डिफरेंस जो आ रहा है इस वक्त वो रेंट के अंदर तकरीबन 14 से 15 हज़ार रुपये पर मंथ जो है हमें डिफरेंस वो देखने को मिलता है। ये ट्रेंड मार्केट के अंदर सलाम स्ट्रेट एंड बिल्डर ने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया है। अगर इसके अलावा हम बात करें कि इन फ्यूचर इसकी वर्थ क्या होगी, तो ऑब्वियसली इस प्रोजेक्ट की वर्थ जो है वो आप लोगों के सामने ही है कि प्रॉपर्टी के अंदर जो चीज़ मैटर करती है वो लोकेशन, लोकेशन और लोकेशन। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी लोकेशन इस वक्त सबसे बेहतरीन लोकेशन है प्रीसेंट 10A और 11A के इर्द गिर्द। जैसे ही हम प्रीसेंट 11A के अंदर एंटर होते हैं सबसे पहले ये DX हाइट्स का प्रोजेक्ट आता है। बाकी नियर बाय इसके जो है यहाँ पर एक विजिटिंग प्लेस जो है मरी हिल्स के नाम से, वो भी इसके सराउंडिंग के अंदर है। इसके अलावा प्रीसेंट 10A जैसे पहले मैंने जिक्र किया है उसका अलाइव एरिया, 11A का अलाइव एरिया, 11B का अलाइव एरिया, तो तमाम अलाइव एरिया जो है इसके सराउंडिंग में आ जाता है। इन फ्यूचर इंशाल्लाह इसका जो है ROI वो आप अच्छा गेन कर सकते हैं अगर आप इसको रीसेल भी करना चाहें। बाकी व्यूअर्स, सलाम स्ट्रेट एंड बिल्डर के किसी भी प्रोजेक्ट के हवाले से आपकी कोई क्यूरी हो या आप लमसम पेमेंट के अंदर ऑफिस या अपार्टमेंट के अंदर बुकिंग करवा कर रेंटल इनकम गेन करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। जब तक के लिए अपने होस्ट मोहम्मद कैसर सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह रहेगा।